तो दोस्तों शाहरुख खान जो कि इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चे में है, जिनकी फिल्म पठान जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, उन शाहरुख खान को सलमान खान का भाई अरबाज खान ने फेक एक्टर बताया है। अरबाज खान ने अपनी एक लेटेस्ट इंटरव्यू में शाहरुख खान के बारे में ये टिप्पणी किया है। अरबाज खान ने जिनको फेक एक्टर बताया है वो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े जाना माना एक्टर ही नहीं है, बल्कि उनके भाई सलमान खान के अच्छे बेस्ट फ्रेंड भी है। दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी भी है, और साथ ही शाहरुख खान की फिल्म पठान में सलमान खान और शाहरुख खान दोनों एक साथ नजर भी आए थे। लेकिन फिर भी ऐसी क्या बात हो गई कि अरबाज खान ने शाहरुख खान को फेक बताया। अरबाज खान इन दिनों एक शो कर रहे हैं और वो शो जो है वो यूट्यूब चैनल पर आता है। इस शो के होस्टिंग के बारे में अरबाज खान ने कहा, मैं एज अ होस्ट बहुत ही नेचुरली हूँ और मेरे मन में जो भी सवाल आते हैं वो नेचुरली आता है। मेरे भाई सलमान खान ने 10 कदम किया था और अमिताभ बच्चन जी ने KBC किया था। न कि ये शो बहुत ही जबरदस्त तरीके से चले है, बल्कि उनका करियर भी बहुत ही तेजी से ग्रो किया है। अगर बात करें शाहरुख खान की तो वो भी टीवी पर आए थे और कई शो को होस्ट भी किए थे, लेकिन वो चल नहीं पाए थे। और उसके आगे अरबाज खान कहते हैं कि शायद शाहरुख खान की एक्टिंग जो है वो टीवी पर पब्लिक को फेक लगी होगी और इसीलिए शायद शाहरुख खान टीवी पर नहीं चल पाए। अरबाज खान कहते हैं कि अगर आप टीवी पर फेक लगोगे तो नहीं चल पाओगे, इसी वजह से सलमान खान और अमिताभ बच्चन टीवी पर चल पाए, क्योंकि ये दोनों जो है पब्लिक से कनेक्ट करके चलते हैं, ये पब्लिक के इमोशन को समझते हैं। लेकिन शाहरुख खान की जो टीवी पर स्क्रीन प्रेजेंस है वो पब्लिक को फेक लगी। अरबाज खान कहते हैं कि शाहरुख खान टीवी पर शालीन था और नेचुरल इम्पैक्ट नहीं ला पाए, और अमिताभ बच्चन जी ये आसानी से कर लेते क्योंकि वो अपनी ऑडियंस की पसंद नापसंद को अच्छी तरीके से जानते हैं।